नमस्कार सभी को, मेरा नाम अमर भास्कर, राजस्थान हिस्ट्री पढ़ाता हूँ और आपको आपका मेरे यूट्यूब चैनल राजस्थान के वो इतिहास की रोशनी में स्वागत है। और आज हम कल वैसे हमने बात की थी 1857 की क्रांति हमने पूरी कर ली, राजस्थान जो आधुनिक राजस्थान हमारा चल रहा था उसमें राजस्थान की क्रांति हमने पूरी कर ली। आज हम चालू करेंगे राजस्थान के किसान आंदोलन। इसका मेन कारण क्या था? क्योंकि जब अंग्रेज आए थे उससे पहले हमारे यहाँ राजा ही था और राजा जो किसानों पे टैक्स लगाता था वो सीधा था, तो उस टाइम तो कम था। हालांकि बाद में अंग्रेज आ गए तो राजा के ऊपर और भार बढ़ गया धन का, तो ये अंग्रेजों को भी देता था। तो ये तीन मतलब दो जगह डिस्ट्रीब्यूट होने लग गया था। तो भाई किसानों पे बात सज्जाई सी बात है, किसानों पे आर्थिक भार बढ़ेगा और इसके कारण लाग बाग ज़्यादा लगा दी गई थी, कर वगैरह ज़्यादा लगा दिए गए थे। इस कारण वहाँ पे राजस्थान में किसान आंदोलन की शुरुआत हुई। इसमें हमने बात की, आपको वैसे थोड़ा बहुत पता भी होगा कि राजस्थान में बिजोलिया से हमारे यहाँ किसान आंदोलनों की शुरुआत होती है। बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया का प्राचीन नाम हमें विजयावली मिलता है। इसका प्राचीन नाम क्या था पहले? विजयावली मिलता है हमें इसका प्राचीन नाम। और जो ये था ये अब वर्तमान में भीलवाड़ा में है। और उस टाइम की बात करें तो हम ये बिजोलिया जो था ये मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का जो ठिकाना था, प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। जो मेवाड़ में 16 प्रमुख ठिकाने थे उनमें से एक ये भी था बिजोलिया। बिजोलिया की जो जागीर थी ये अपना एक अशोक परमार, एक संस्थापक की बात करें तो अशोक परमार, अशोक परमार या जगनेर यूपी का था। जगनेर यूपी का था। तो ये जब छांगा के पास आया कि भाई अभी आपकी युद्ध में सहायता करूंगा, तो इसने खानवा के युद्ध में इसकी छांगा की सहायता की थी। 1527 में लड़ा गया था ना वो खानवा का युद्ध। हालांकि ये युद्ध से बहुत पहले ही आ गया था, उसी टाइम इसको ऊपर माल की जागीर सांगा ने दी थी। ऊपर माल की जागीर जो सांगा ने अशोक परमार को दी थी, तो उसका जो अशोक परमार ऊपर माल का जो मेन केंद्र था, जो हम वैसे बोलते हैं राजधानी या मुख्य केंद्र, वो था बिजोलिया। तो ये 1527 में खानवा युद्ध से पहले ही यहाँ पे आ गया था। हालांकि इसको पहले ही मिल चुकी थी ये जागीर, इसने सांगा का काफ़ी सहयोग हर चीज़ में किया था, हर युद्ध में किया था। तो मैन इसका जो आता है वो 1527 खानवा के युद्ध में आता है। तो इसको ऊपरमाल की जागीर दी गई थी, उसका मेन ठिकाना था बिजोलिया। तो ये था इसका संस्थापक, ये याद रखना ये परमार था अशोक। एक बार आरएस के में एग्जाम में पूछ भी लिया गया था कि भाई बिजोलिया जो ठिकाना है उसमें किस जाति का मतलब वो था शासन। तो क्योंकि हम जाहिर सी बात है कि मेवाड़ के प्रथम श्रेणी के ठिकाने लगभग जो मेवाड़ के जो शाही परिवार के जो सदस्य थे उन्हीं को दिया गया था, मगर ये एकमात्र था जो अशोक परमार को दिया गया था। उसमें जाति पूछ ली तो हमने लगभग ने यही सोचा होगा कि भाई सिसोदिया या गुहिल होंगे, पर नहीं ये परमार था। तो ये एक बार तो पूछ भी लिया गया है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना कि कौन सी जाति थी, तो परमार। और ये कहाँ से आया था? जगनेर यूपी से। तो ये उसको ऊपरमाल की जागीर दी गई थी, इसका मुख्य केंद्र बिजोलिया था। तो चलो ये तो हो गई कि भाई इसका संस्थापक ये था। यहाँ पे जो शुरुआत होती है किसान आंदोलन की वो यहीं से होती है। भाई इसका मुख्य कारण क्या था, हम इनके कारणों की बात करें तो इसका कारण क्या था?
एक बात ये भी ध्यान रखना कि भाई जो बिजोलिया है, हम इसको बता तो देते हैं कि राजस्थान में सर्वप्रथम यहाँ से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, मगर नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि राजस्थान के जो चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ का जो मातृय कुंड नामक स्थान है, मातृकुंडिया नामक स्थान पे सबसे पहले जो ये किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, रासमी तहसील में आता है मातृकुंडिया गांव। तो यहाँ पे जो जाट किसान थे, जाट किसानों के द्वारा सर्वप्रथम 22 जून 1880 के अंदर सर्वप्रथम यहाँ पे किसान आंदोलन किया गया था। तो ये था मैं वो, ये नोट डाल के आप एक साइड में लिख भी लेना कि भाई राजस्थान में अगर कोई पूछ ले कि सबसे प्रथम कहाँ पे हुआ था और बिजोलिया नहीं आए तो कहाँ पे था, चित्तौड़ के राजमी तहसील के मातृकुंडिया गांव में जाट किसानों द्वारा 22 जून 1880 में प्रथम किसान आंदोलन किया गया था। इसकी भी बात हम पूरी करते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि भाई 22 जून को 1880 में ही हो गया था, और जो बिजोलिया जो था उसमें तो 1897 में हुआ था शुरुआत, तो ये 80 में हो गया था। तो पहले यही मानते हैं कि मातृकुंडिया के अंदर। तो इस बिजोलिया के क्या कारण थे कि भाई यहाँ पे किसानों को किसान आंदोलन करने पड़े, क्यों, इसका कारण क्या था? इसका मेन कारण था लागबाग कर। ये इनके मुख्य कारणों में आते हैं, जैसे लागबाग थी, कर था, तो इसके मुख्य कारण में ये आते हैं। और इसमें जो लाटा और कुंता और थे, लाटा और कुंता नाम से भी दो कर लगाए जाते थे। लाटा तो ये हो गया कि भाई राजा जब फसल का वो अपन काट के रखते हैं किसान, कि भाई किसानों का कहना था कि हमसे तोल के ले लो, मगर राजा किस हिसाब से लेते थे कि जैसे हमारी फसल कट गई और हम जो पूड़ी टाइप बांध के रखते हैं इनको, गठरी जिनको बोलते हैं, वो रख के फिर निकालते हैं, उसे लाटा बोले रखी हुई होती है उसे लाटा बोलते हैं। तो भाई पटवारी को भेजते हैं कि भाई हाँ जा, तो किसान तो बोलते कि निकलने के बाद में लेना, मगर पटवारी वो जाता बोला कि ऐसे पड़ी हुई देखता था वो कि हे ठेठ तक उतनी है तेरे, 200 तक हो जाएंगी, तो तू हमको 70 दे दे, ऐसे इजारा करते थे। मगर उसके बाद में वो निकालता था तो उसके 200 होती नहीं थी, पूरी सी 100 होती, उसमें भी 70 राजा देखो दे देता दे, तो फिर किसानों को क्या बचता। तो इसका कारण था लाटा और कुंता, और लागबाग में भी, और मैन जो था इसमें भूमि कर भी शामिल था, भूमि कर भी सर्वाधिक था यहाँ पे, और 84 प्रकार के कर भी थे यहाँ पे, तो 84 प्रकार आप देख लो कितने ज्यादा होते हैं। और ऊपर से लाटा कुंता, और किसानों का तो ये भी कहना था कि भाई आप अगर हमसे ले रहे हो तो आपको तोल के हिसाब से ले लो, कि तोल के आप जितना भी हो उतना आप ले लो, तो मगर नहीं, ऐसे लाटा के हिसाब से लिया जाता था, लाटा और कुंता के हिसाब से। तो इसके कारण इनमें आक्रोश था कि भाई आप ये क्यों कर रहे हो। और एक हम आगे भी पढ़ेंगे, फिर इसकी शुरुआत, दो कर हम आगे भी पढ़ेंगे, एक तो था चरवी कर जो लड़के की शादी पे लगाया था, कृष्ण सिंह सामंत था यहाँ का, तो उसने चरवी कर लगाया था। चवरी कर क्या था? लड़की की शादी पे लिया जाने वाला कर। इसके ऊपर उसने कि आप लड़की की शादी करोगे ना तो हमें, या तो मतलब दो जगह आता है इसमें कि 5 और 13, तो आप 5 याद रखना कि आप जब लड़की की शादी करते हो तो आपको 5 रुपये सरकार को देना, मतलब मेरे को देना होगा। तो फिर ये जब मरता है फिर नया सामंत बनता है 6 में, वो था पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह ने मतलब कृष्ण सिंह ने ये कर बंद कर दिया था, क्योंकि जब ये कर लगाया था तो वहाँ पे बिजोलिया में कोई शादी नहीं हो रही थी, सभी ने यह कहा कि हम शादी नहीं करेंगे, और बिजोलिया ऐसी जगह पे था कि आसपास दूसरी रियासतें थी उसके बॉर्डर पे, तो बोले वहाँ जाके कर लेंगे।
तो फिर कृष्णन सिंह को भी समझ में आ गया कि था कि भाई ये नहीं मानेंगे, तो इसको इसने बंद कर दिया था पांच के अंदर। फिर लगाया, ये तीन में लगाया था और पांच में खत्म था, और पांच रुपए था लड़की की शादी पर। और छह में फिर पृथ्वी सिंह आया, उसने तलवार बंधाई कर भी लगा दिया था। बंधाई कर लगा दिया था, तलवार बंधाई क्या होता है कि जब कोई नया सामंत बनता था तो उसे राजा को भेंट करना होता था कुछ उपहार वगैरह, तो ये सोचा कि हम हमारे ऊपर क्यों बोझ डालें, इनके ऊपर ही डाल दें। तो जनता ने कहा भाई ये पहले तो नहीं था, तो इसने बोला कि दुनिया में बहुत काम पहले पहले नए नए ही होते हैं, प्रथम ही होते हैं, वैसे ये भी प्रथम ही था। तो ये था बिजोलिया के कर, और जो बिजोलिया में कर लगते थे लाख बाग का उल्लेख, हमारे राजस्थान में अगर लाख बाग का उल्लेख पूछे कि कहाँ पे मिलता है कि भाई क्या था लाख बाग वगैरह, तो वह था चेंगली का ताम्र पत्र, चेंगली का ताम्र पत्र, ताम्र पत्र में जो 1483 में लगा मिलता है का मिलता है, तो उसमें ये लाख बाग का ये उल्लेख मिलता है हमें। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, नोट डाल के लिख लेना, चेंगली ताम्र पत्र। चलो, ये बिजोलिया किसान 1897 से चालू होता है और जो आज मतलब 1941 तक रहता है, और ये लगभग 44 वर्ष तक चला था। सर्वाधिक लंबा समय तक चलने वाला भी किसान आंदोलन यही था, अहिंसक भी यही था कि भाई ये इतना लंबा समय हो गया फिर भी इसमें हिंसा नहीं हुई, ये एक बड़ी बात थी, इसकी एक अनोखी बात थी, तो ये अहिंसक रहा था। अहिंसक किसान आंदोलन रहा था ये, इसमें कोई प्रकार की हिंसा नहीं हुई थी, क्योंकि 44 वर्ष तक भी चला था फिर भी नहीं हुई थी। तो ये था इसका। और अब हम बात करेंगे इसकी कि भाई यहाँ पे मुख्यतः कौन सी जाति के किसान थे। वैसे तो शासक किन जाति का था, तो वो था परमारों का, ये और इसमें पूछा हुआ प्रश्न है तो थोड़ा ध्यान रखना। तो यहाँ पे मुख्यतः किसान किस जाति के थे, वो थे धाकड़ जाति के किसान थे। तो ये धाकड़ जाति के किसान थे। और फिर जो प्रथम चरण है, हम ये तीन चरणों में बांटेंगे इसको, क्योंकि 44 वर्ष तक चला था और तीन टाइम में का अलग अलग नेतृत्व रहा था इसका। तो प्रथम जो इसकी शुरुआत थी, प्रथम चरण, प्रथम चरण 1893 में चालू हुआ और 1915 तक चला था ये। तो ये इसका मेन नेतृत्वकर्ता जो बोलते हैं वो था साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास था, और इसने इस यहाँ पे जागृति के लिए यहाँ एक मित्र मंडल की भी स्थापना की थी। क्या हो, हम मित्र मिलके एक मंडल बनाएंगे। तो वहाँ पे इसकी चर्चा भी होती थी कि भाई 84 प्रकार के लाख बाग हैं, तो इसके ऊपर चर्चा होती थी कि इसका विरोध करा जाए। तो इसने एक मित्र मंडल स्थापना भी की थी सीताराम दास ने, और ये प्रथम नेतृत्वकर्ता था। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो ये था गिरधरपुरा गांव जो था यहाँ पे बिजोलिया के अंदर। गिरधरपुरा गांव में एक आदमी के मृत्यु भोज पे ये सब इकट्ठा हुए थे। आज भी हमारे यहाँ है कि भाई जब मृत्यु हो जाती है किसी की, उसकी मृत्यु भोज पे आसपास के गांव के 10-15 गांव के टूट के पड़ते हैं, जब ऐसे लगता है कोई शादी हो, उतने वैसे यहाँ पे आए। तो यहाँ पे बैठ के पहले तो दबा के खाया, अब खा लिया तो थोड़े ठाके भी किए जाएं। तो मजाक में ये बात करते करते ये बोल रहे थे कि भाई 84 प्रकार के कर हैं, कुछ बचता भी नहीं है हमारे। तो फिर इन्होंने बोला कि भाई चलो एक बार सरकार से तो बात करके देखें, पता नहीं सरकार को पता हो या नहीं। सरकार उस समय मेवाड़ थी, मेवाड़ को बोलते थे। तो इन्होंने बोला कि अगर सामंत हमारे ऊपर एक्स्ट्रा लगा रहा है और सरकार मतलब वहाँ के महाराणा को ये पता ही नहीं हो, तो बोले तो उनसे बात करते हैं। तो उस टाइम महाराणा कौन था, फतेह सिंह। तो इन्होंने दो व्यक्तियों को नियुक्त किया कि आप जाओ और उनसे बात करो। एक तो था नानजी,
और दूसरा था ठाकरी पटेल। ये पहले महाराणा के पास जाते हैं तो महाराणा इनसे बात भी नहीं करता है, फिर ये कैसे जैसे 10-15 दिन तक चक्कर निकालते हैं कि भाई राणा जी एक बार बात करो, राणा जी एक बार बात, तो राणा जी इनसे बात करते हैं तो फिर राणा जी ने इनकी बातें सुनी तो भाई राणा जी ने एक बार सोचा कि भाई ये मैं मेरे लेवल पर भी ये एक बार करा के देख लेता हूँ कि भाई जांच वगैरह। तो इसने हामिद हुसैन, महाराणा ने एक हामिद हुसैन को नियुक्त किया। हामिद हुसैन को नियुक्त किया कि भाई तू जा और वहां पे जांच करके आए कि भाई ये सही बोल रहे हैं कि 84 प्रकार का लाग बाग है, कुछ खाने को है नहीं, ऐसे वैसे बोले बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं। तो फिर गया हामिद हुसैन, जाके निरीक्षण करता है, फिर राणा जी को आके बताता है कि भाई ये चीज है। तो हालांकि इनको बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली थी इसमें, तो ये था कि भाई नॉर्मल ये बात यहीं ख़त्म होती है। फिर इनसे जो जब वहाँ का सामन था जो करसन सिंह बिजोलिया, उसको इस बात का पता लगा कि अच्छा मेरे खिलाफ राणा जी की शिकायत करी डटो मैं बताऊँ था, तो इसने वो चौरीकर था ना, तो इसी के गुस्से में आके इसने चौरीकर लगाया था कि आप राणा जी के पास गए तो क्यों गए। तो इसने 1903 में कर लगाया, 1905 तक चला था। तो इसने फिर इसका जो बेटा, एक दो पांच में मृत्यु भी हो जाती है, और इसने पहले ख़त्म भी कर दिया कि भाई ये जब मृत्यु के टाइम पे था तो इसे कोई व्यक्ति मिलने आया था एक पंडित, तो बोल रहा था कि भाई बोलो क्या हो सामन साहब। तो करसन सिंह बोला कि भाई कुछ नहीं, थोड़ा दुखी पा रहा हूँ, जल्दी निकल जाऊँ तो अच्छा है। तो बोले आपने जो लड़कियों के विवाह पे प्रतिबंध लगाया ना उसका ये नतीजा है। तो इसने पांच में हटा दिया और पांच में इसकी मृत्यु हो गई, तो छह में फिर नया सामंत बनता है यहाँ पे इसका बेटा पृथ्वी सिंह। तो इसने कहा अच्छा बापूजी के खिलाफ बगावत, मेरे बापूजी के खिलाफ थे राणा जी ने शिकायत करी। बोले मैं थानू बताऊ, बोले के बत्ता सिंह, बोले नयो कर, बोले के तलवार बंधाई। तो इसने तलवार बंधाई छह में लगा दिया था, तो इसने तलवार बंधाई लगाया। तो इसे एक याद रखना, जयपुर और जोधपुर में इसे कद खालसा भी कहते थे इस तलवार बंधाई को, कहीं नोट लगा के लिख लेना कि इसे जयपुर और जो जोधपुर था उसमें इसे कद खालसा भी कहा जाता था। तो इसने तलवार बंधाई कर भी लगा दिया था इनके ऊपर। फिर इसके भी है ना 14 के अंदर मृत्यु हो जाती है, वो तो इसकी जगह आता है केसरी सिंह। तो इसकी 14 में ये केसरी सिंह पृथ्वी सिंह की जगह आता है। हालांकि ये अल्प आयु का था केसरी सिंह, बहुत छोटा उम्र में सामंत बना था, नाबालिग था। तो इसका संरक्षक नियुक्त किया था अमर सिंह को, अमर सिंह राजावत। अमर सिंह को इसका प्रशासक नियुक्त किया, मतलब संरक्षक भी नियुक्त किया था और प्रशासक भी बिजोलिया को इसने बनाया था। ये मेवाड़ की तरफ से था कि मेवाड़ के जो शासक थे फतेह सिंह, उन्होंने इसको नियुक्त किया था कि भाई तू वहाँ का एक बार प्रशासन संभाल जब तक केसरी सिंह संभालने योग्य न हो। तो इसने वहाँ पे संभाला था। और एक और याद रखना, यहाँ पे अन्य जो आजाए के अन्य नेतृत्व करता तो साधु एक सीताराम दास तो था ही, हामिद हुसैन और उनको तो यहाँ जांच आयोग के लिए भेजा था, और नानजी और ठाकरी पटेल यहाँ फतेह सिंह के पास गए थे। और अगर अन्य आदमी और पूछ ले मुख्य तो एक तो था प्रेमचंद भील, एक फतेहकरण चारण, एक ब्रह्मदत्त देव भी था यहाँ पे। ये इनके जो था वो अन्य आदमी आ जाते हैं कि भाई अन्य नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो वो थे ये। तो ये प्रथम चरण की बात होती है पूरी। तो प्रथम चरण कब तक चला, 1897 से 15 तक मैं नेतृत्व करता था वो साधु सीताराम दास था, और जो दो आदमी गए थे वो नानजी पटेल और ठाकरी पटेल था। और वो फतेह सिंह के पास पहुंचे थे, हामिद हुसैन को यहाँ पे नियुक्त किया था, ज़्यादा इनको कुछ मिला नहीं कि मतलब इनको संतुष्टि के लिए मिला नहीं। तो दूसरा चरण यहाँ 16 से स्टार्ट होगा और वो था 23 तक। इसका मैं नेतृत्व करता था विजय सिंह पथिक।
ये विजय सिंह पथे का मूल नाम था भूप सिंह गुज्जर। तो ये क्या हुआ कि वो जो 1814 में क्रांति कर रहे थे, सशस्त्र क्रांति, उसमें इसको मेन नेतृत्व करके राजस्थान का नेतृत्व सौंपा था। तो इसे बाद में टोटगढ़ जेल में बंदी बनाया गया। ये वहाँ से फरार हो गए। फरार होके ये ओछड़ी गांव पहुँचते हैं चित्तौड़ के। वहाँ पे ये मास्टर का काम करते हैं पढ़ाने का। और बाद में ये वहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं। अपना नाम भी चेंज कर लिया कि आई एम भूप सिंह, नॉट भूप सिंह गुज्जर, आई एम विजय सिंह पथिक। तो फिर दाढ़ी वगैरह बढ़ा लिया, अंग्रेज़ों के भी ये पहचाने में नहीं आ रहे थे। फिर बाहर निकले वहाँ से, फिर साधु संत सीताराम दास से इनकी मुलाकात होती है। तो फिर उनके कहने पर ये बिजोलिया के जो किसान आंदोलन था उसका नेतृत्व करते हैं। ये था भूप सिंह गुज्जर और ये यूपी का था, और ये याद रखना। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है और हम कल पढ़ेंगे।